हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं के संबंध में न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयोग ने एक न्यू अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। और अभी तक सब्सक्राइब कर तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाले आइकन प्रेस करना बना, इससे अपडेट मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से। तो देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि और ये सूचना आपकी महिला कल्याण विभाग में अधीक्षक का चयन 2021 की हेतु है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला होगा। और इसमें जो है आपके अब एक परीक्षा जारी करनी है, इसके लेकर यहाँ पर कहा गया है कि आपको जो है यहाँ पर एक परीक्षा की तिथि जारी कर रखी है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसकी परीक्षा तिथि 23 जून को होनी है। इसकी जो एडमिट कार्ड है ना, वो जारी हो चुके हैं। तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट में। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट में जाकर। और इसका परीक्षा आपकी होनी है और स्क्रीन परीक्षा जो कि आपको परीक्षा भवन लोक सेवा के हरिद्वार केंद्र पर ही आपका होगा 23 जून को। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके एडमिट कार्ड शुरू हो चुके हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यूकेपीएससी के ऑफिस साइट में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई अपडेट है तो यहाँ देख सकते हैं। एडमिट कार्ड आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एडमिट कार्ड करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप जो है अपना अपना एडमिट कार्ड जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। वुमेन वेलफेयर डेवलपमेंट सुपरिटेंडेंट सिलेक्शन एग्जामिनेशन जो कि आपका 2021 का है, इसके लिए आपको यहाँ पर व्यू तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो है डाउनलोड लिंक है, तो इस लिंक पर जाकर आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से।